नमस्कार, बिहार के दरभंगा जिला से बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा महाराज कमेश्वर सिंह के भाई विशेश्वर सिंह के मझिले बेटे योगेश्वर सिंह उर्फ कुमार साहब का जन्म 5 दरभंगा महाराज के परिवार में हुआ था। उनके 2 पुत्र हैं, वहीं उनके पिता का नाम राज बहादुर विशेश्वर सिंह था, वहीं उनके माता का नाम रानी प्रेम किशोरी था। आपको बता दें कि आज दरभंगा महाराज के शासनकाल के आखिरी राजकुमार योगेश्वर सिंह को आज हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दरभंगा के प्रसिद्ध माँ श्यामा मंदिर जो महाराज कमेश्वर सिंह के चिता पर स्थित है, उसी कैंपस में आज इनका भी अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया गया। आपको बता दें कि योगेश्वर सिंह उर्फ कुमार साहब मुख्य रूप से खाना बनाने के शौकीन थे और राजकुमार योगेश्वर सिंह को कभी भी पॉलिटिक्स से लगाव नहीं रहा था। वह किन किन चीजों के लिए प्रचलित रूप से जाने जाते हैं, इनका शौक था खाना बनाना, किताबें पढ़ना, हारमोनियम तबला बजाना, बहुत ज्यादा शौकीन थे और अंत में उन्होंने एक किताबें भी लिखी है जो किसी कारण बस प्रकाशित नहीं हो पाई है। बता दें कि इनका निधन यहाँ पर दोपहर अचानक हल्की सी तबीयत बिगड़ने के कारण शनिवार को हो गई थी। जैसे कि कुछ लोगों ने बताया है कि उनके पुत्र रत्नेश्वर सिंह ने रविवार को राज कैंपस स्थित मंदिर के बीच प्रचलित जिताओं पर दरभंगा महाराज के शासन के आखिरी राजकुमार योगेश्वर सिंह उर्फ कुमार साहब उनके पुत्र रत्नेश्वर सिंह ने मुखाग्नि देकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया है। आइए विशेष कवरेज दिखाते हैं। सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, इंटरव्यू सुनाते हैं आपको, सभी लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोगों तक ये खबर पहुंच पाए और सभी लोगों तक का नॉलेज भी आगे इसके लिए बढ़ता रहे। और देखिए पूरा मैं आ गया, ये चले गए, ये बहुत ज्यादा बीमार मेरे ख्याल से नहीं थे। 6 महीना में कुछ होता था, अचानक इनका बोली कल बंद हो गया। हम लोग डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर बोला पारस हॉस्पिटल में, आभास उसको लग गया था कि खत्म हो जाएंगे, पारस हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ पर फ्लैट आ गया वो ECG, तो ऐसे डेथ हो गया। इनको खाना का शौक था, खाना बनाने का शौक था, डायरेक्शन देने का, उनका वर्ल्ड लेवल का खाना आता था। राजा बहादुर के समय में जो जो ये देखे थे कैसा खाना, ऐसा खाना जो 5-स्टार होटल में हमको नहीं मिलता है दिल्ली में, समझे ना। तो उस सब को उनको था, और क्योंकि राजा बहादुर के पास अपने यही रहते थे और दोनों भाई, तीनों भाई में से कोई नहीं रहते, तो वो सुंदरता का प्रेमी थे, तो जितना चीज़ देखे। कुत्ता का शौकीन थे, इनके पास 16-17 ठो कुत्ता था ब्रीड का। उसके बाद फिल्म के शौकीन थे, म्यूज़िक के शौकीन थे, तबला हारमोनियम ये सब बनाना आता था, और हम क्या कहेंगे, किताब बाद में किताब का भी शौकीन हो गया पढ़ने का। इनका जो जीवन रहा, किस तरह का व्यक्तित्व, क्या व्यक्तित्व इनका जो था, सो ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, समझे ना। ये बिजनेस शुरू किए, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इनका कंपनी का नाम था, फर्म का नाम था विजयश्री चित्रा, उसमें झुग्गियासमान ये लिए, झुग्गियासमान काफ़ी चला बिहार में, पूरा बिहार और नेपाल का था। और झुग्गियासमान के बाद प्रिंस जुआड़ी, हम दोनों हम दीवाने वगैरह, टार्जन और सर्कस वगैरह भी चला। उसके बाद ये ईस्टर्न सर्किट में पहुँच गए, बिहार बंगाल उड़ीसा नेपाल, और वो प्रिंस जो था उस समय का 4th नंबर पर ब्लॉकबस्टर था, फर्स्ट था आराधना, जैसे 1973 में बॉबी पहला नंबर पर था और जंजीर 4th नंबर पर, उसी तरह उस समय जो 1969 में प्रेम फर्स्ट नंबर पर आराधना था और 4th नंबर पर प्रिंस था, इनका चला। बाद में जा करके इनका जो है सो खराब समय आया, ये हो गया। ये एकांत वास ऐसा नहीं था कि ये एकांतवासी थे, किताब पढ़ते रहते थे कोई, हम भी अगर कहिएगा तो हम भी एकांतवासी हैं, हम भी ज़्यादा किसी को नहीं हम एंट्री दे देते हैं, समझे ना, पढ़ते हैं, तो एकांतवासी थे उनसे थे, लेकिन वो हम लोग उनसे ढकाते थे, हम लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते थे, अपना जो पढ़ना रहना लिखना रहता था वो करते थे। शौक क्या क्या चीज़ था इनको, खाना का शौक था, खाना बनाने का शौक था, डायरेक्शन देने का, उनका वर्ल्ड लेवल का खाना आता था। राजा बहादुर के समय में जो जो ये देखे थे कैसा खाना, ऐसा खाना जो 5-स्टार होटल में हमको नहीं मिलता है दिल्ली में, समझे ना। तो उस सब को उनको था, और क्योंकि राजा बहादुर के पास अपने यही रहते थे और दोनों भाई, तीनों भाई में से कोई नहीं रहते, तो वो सुंदरता का प्रेमी थे, तो जितना चीज़ देखे। कुत्ता का शौकीन थे, इनके पास 16-17 ठो कुत्ता था ब्रीड का। उसके बाद फिल्म के शौकीन थे, म्यूज़िक के शौकीन थे, तबला हारमोनियम ये सब बनाना आता था, और हम क्या कहेंगे, किताब बाद में किताब का भी शौकीन हो गए पढ़ने का।
और यहाँ जितने भी मंदिर देखते हैं, एक महादेव मंदिर, सारा मंदिर किसी न किसी चिता पर ही है। और इसका एक उद्देश्य था कि इस फैमिली के जितने भी लोग आए उनको यहीं दफनाया जाए, सारे लोग। आत्मा जब हम लोगों में श्राद्ध क्रम होता उसमें सारे आत्माओं को एक साथ मिलाने की प्रथा है, तो ये कंसेप्ट थी कि सारे लोग इस फैमिली के जो भी इनका निधन होता था उनको इसी परिसर में उनकी चिता होती थी और एक एक बंधा हुआ एरिया था। पता नहीं इसको आज के आधुनिक ज़माने में लोगों ने इसको मॉडर्नाइज करते हुए रात भर इस श्मशान को समझिए जगह के रखा जाता है, जो अगर तंत्र रूप में देखें तो ये सही नहीं। राजा बहादुर जो दरभंगा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे, के दूसरे पुत्र योगेश्वर सिंह का कल असंधा में देहांत हो गया। आज इस माधवेश्वर परिसर में, जिसे यहाँ के जनता नागरिक श्यामा मंदिर परिसर से जानते हैं, ये राज परिवार का आपको संतान घाट रहा है जिसमें उनका संस्कार हो रहा है, सदियों से होता आया है। राजकीय समाधि स्थल रहा है पौराणिक रूप से, माधव सिंह से लेकर अब तक लगभग 350 साल का इतिहास रहा है इस परिसर का। यह आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि, और बहुत लोगों को ये पता है कि इस परिसर में सभी मांगलिक कार्य होते हैं, चाहे मुंडन हो, विवाह हो, नयन हो, कुछ भी मांगलिक कार्य, शगुन हो। और ये भी एक आश्चर्य यहाँ के लोगों को लग रहा है कि यहाँ अंतिम संस्कार भी राज परिवार के लोगों का होता रहा है। लोगों में जुआरी जो कि शशि कपूर के लिए, प्रिंस शम्मी कपूर साहब का, झुक गया आसमान राजेंद्र कुमार साहब का, और टार्जन और सर्कस, ये चार फिल्मों का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बिहार में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, बांग्लादेश में करवाया। सात बजे होगा।